हेलो दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल कमीज काटना सिखा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा फ्रंट हिस्सा है, इसकी मैंने लंबाई ले ली, इसको मोड़ लिया इस तरह से, और इसमें ना पैच लगा हुआ है। और कढ़ाई अगर होती तब भी हम जो है इसको इसके साथ मिलाते, कढ़ाई से कढ़ाई मिला लेते। ये पैच है तो पैच से मैंने पैच मिला लिया, बिल्कुल इस तरह से मिला करके ये इसका सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब तीरा था मेरा 14 इंच, तो मैंने तीरा लिया 7 इंच, ये मैंने 7 इंच का तीरा ले लिया। अब जो है छाती, जो है मेरी 36 इंच थी, मैंने उसमें 3 जमा किया, 39, और 39 का चौथा हिस्सा जो है वो 10.25 के करीब आएगा। ये मेरा फिटिंग का निशान है, यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। फिर मैंने कमर जो है 14 इंच ली थी, 14 इंच पे मैंने यहाँ पर भी 30 इंच कमर है, उसमें मैंने 3 प्लस किया 33, और उसका जो फोर्थ हिस्सा जो बैठेगा वो 8.25 आएगा। ये मैंने 8.25 पे निशान लगा दिए, ये ध्यान रखना, ये मेरा सिलाई का निशान है। उसके बाद मैंने 21 इंच पे हिप ली, यहाँ आप 21.5 भी कर सकते हो, 22 भी कर सकते हो, 20 भी, जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी लंबाई पर ये आप निशान लगा लें। और मेरी हिप जो है वो 40 थी, उसमें भी मैंने 3 प्लस किया। 3 प्लस करने के बाद मैंने इसका फोर्थ हिस्सा लिया, मेरा 10.25 के करीब ये आ गया। ये मैंने तीनों निशान मिला लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको मिलाना है इस प्रकार स्केल की सहायता से, एक लाइन लगा लीजिए, और इसके बाद आप इसको भी इसके साथ मिला दें। मिलाने के बाद ये देखो यहाँ पर ना कोना बन जाता है, इस कोने के लिए आपको क्या करना है, हल्की सी गोलाई देनी है इस प्रकार, ये गोलाई देते हुए आप ये निशान लगा। अब जो है 2 इंच मार्जिन, सिलाई मार्जिन आप 2 इंच ले लें, 1.5 इंच ले लें, वो आपके ऊपर है कि आप कितना मार्जिन लेना चाहते हो। और 2 इंच मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है, और ये देखिए यहाँ पर 13 इंच है, तो यहाँ पर भी मैंने 13 ही लिया। और ये निशान यहाँ पे मैंने 10.25 लिया, यहाँ पर भी मैंने 10.25 लिया, ये देखिए 10.25 लेकर के इसको भी आप ऐसे सीधा मिला दो इसके साथ इस प्रकार से, ये आपका सीधा निशान, और मार्जिन को भी आप इस तरह से मिला, और इसको भी आप इस प्रकार से मिला लें। ये देखिए आपका मैंने निशान ये लगा दिया है, ये अपनी फिटिंग का निशान है। अब क्या करना है, गला लेंगे, मैं नॉर्मल गला जो है 2.5 इंच लेती हूँ, वैसे आप 3 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो, जितना आपको चौड़ा चाहिए, लेकिन 2.5 इंच मैं इसलिए लेती हूँ कि कई बार क्या होता है कि गला जो है वो फैल जाता है और कंधे लटकते हैं, इसलिए 2.5 इंच का गला जो है वो बिल्कुल सही रहता है। और जो लंबाई जो है नेक की, मैंने यहाँ पर 7 इंच लेनी है, तो आप इस तरह से 7 इंच लेकर के निशान लगा लीजिए, यहाँ से भी 2.5 इंच, और इसको सीधा मिला करके ये गोलाई दे दीजिए इस प्रकार से। गला आप किसी भी डिजाइन का बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब क्या करना है, इसको जो है यहाँ से भी आप सीधा मिला लीजिए। सीधा मिलाने के बाद आपको क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर से लेकर के कंधे को डाउन करना है, यानी कि तिरछा मिलाना है, और इसको नेक तक मिलाना है। ये देखिए जहाँ तक मैंने नेक की चौड़ाई ली है उसी वहाँ तक ही इसको मिलाना है। मिलाने के बाद इसका जो है तीसरा हिस्सा निकाल लो, ये हमारे पास है 6.5 इंच, तो ये 2.25 के करीब हमारा आएगा, तो हमें 2.25 यहाँ ले लेना है। यहाँ से लेने के बाद आपको 1/2 इंच अंदर लेना है, 1/2 इंच अंदर लेने के बाद इसको ऐसे तिरछा मिलाना है, इस तरह तिरछा मिलाने के बाद अब आप ध्यान से देखना, यहाँ से इसकी आपको ने जो है गोलाई करनी है इस प्रकार से, इस तरह इस मेन है इसकी ये गोलाई,
इसको जरा ध्यान से देखो और इस प्रकार से ही आपने गुड़ाई करनी है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत। अब ये देखिए मेरे ये निशान लग गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब गला मैं अभी नहीं कटिंग करूंगी, गला जो है मैं सिलते वक्त आपको बताऊंगी। आप इसको बिल्कुल इस तरह से सबसे पहले आपको ये निशान काटना है, उसके बाद यहां से ये मेरा सिलाई का था और ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है। इस तरह से ये अपना आगे का हिस्सा कट गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, आप यहां से कट लगाइए, एक कट आप यहां लगाना और एक कट आप यहां लगाना। ये तीनों कट बैलेंस मार्क्स हैं, ये जरूरी है आप ये जरूर लगाएं। इसके बाद आप बैक लेते हैं। अब ये देखिए मेरा पिछला हिस्सा है और अब इसको मैं इस तरह से मोड़ूंगी। तो मैंने लिया था 11.25 इंच और उसमें मैंने 2 इंच जमा किया था, 13.5। 13.5 इंच लेकर के एक निशान इधर लगा लो और एक निशान आप इधर से लगा लो 13.5, और इस दोनों निशान को पकड़ के इस प्रकार से मोड़ लो, इस प्रकार से। ये आपका इस तरह से रख करके अब इस पर जो है मैं फ्रंट भाग रखूंगी। इस तरह से मैं फ्रंट भाग रखूंगी। ये मैंने फ्रंट भाग इस पर रख दिया, बिल्कुल बराबर आपको मिलाना है इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से सेट करके रख ले। अब इसमें क्या करना है, ये जो मैंने 1/2 इंच डाउन किया था इसको भी आप 1/2 इंच ही ऐसे ही डाउन रखें, और यहां से जो ये मेरा सीधा निशान था इसको आप इस तरह से मिला लें, इस प्रकार से। इस प्रकार मिलाने के बाद जो है वही उसका इसका 1/2 इंच ले लेंगे, 3.5 इंच पे एक निशान लगा करके। और ये देखिए इसको हम 1/2 इंच ज्यादा रख करके गोलाई करेंगे। देखो ये मैंने 1/2 इंच के करीब लिया है, इसी प्रकार से इसको यहाँ से गोलाई मिला देंगे और ये निशान जो है ये हम ऐसे कैसे लगा देंगे इस प्रकार। और ये जो मैंने कट लगाए थे यहाँ पर ऐसे आप निशान लगाओ, यहीं पर आप दोबारा से बैलेंस मार्क्स रखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेरा बैक का निशान कमीज का लग गया है। अब मैं इसकी भी कटिंग करती हूँ। गला मैं अभी बिल्कुल नहीं काट रही हूँ, बाद में काटूंगी। ये सेंटर पॉइंट और यहाँ पर ये जो मेरी गले की जो चौड़ाई है उस पर भी दोनों गलों को पकड़ कर आप कट लगा दें, ताकि जब हम गला बनाएंगे तो कोई गलती ना हो, दोनों गले जो है वो बराबर। अब इस तरीके से ये देखो इसकी कटिंग करी। कटिंग करते समय एक ध्यान रखें कि इस तरह से हाथ जो है वो कपड़े पर रखें, ताकि कपड़ा जो है वो खिसके ना, और इस प्रकार से आप इसकी कटिंग कर लें। कटिंग बड़े ध्यान से करनी है, इस प्रकार से काटते हुए। ये आपका कमीज कट गया है और ये बिल्कुल मैंने सिंपल साधारण तरीके से आपको बताया है। और अब इसको क्या करेंगे, जब ये जो निशान है इनको हम इस साइड भी उतार लेंगे। तो आप सबसे आसान तरीका है कि इस पर थोड़ा सा गहरा चाक घुमा दे, लगाने के बाद आप इसको इस प्रकार से पलट दे,
पलटने से आपके ये जो निशान है ये इस तरह से इस कमीज के दूसरी साइड आ जाएंगे, ये देखिए। और इसको इस प्रकार से ये आपके दोनों साइड मैंने निशान लगा के दिखा दिए हैं ताकि सिलने में आसानी रहे। अब मैं आपको इसकी स्लीव जो है वो भी काट के दिखाती हूँ। कितने मिनट के हो गए? अब ये देखिए, ये कमीज का कपड़ा साइड से निकला है। इस साइड के से जो है हम अब इसकी बाजू निकालेंगे। तो बाजू के लिए हमें क्या करना है, देखो मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है आर्म होल की चौड़ाई कितनी लें। तो अब इसको देखो, फ्रंट को जो है ना इस तरह से रखो और इसकी जो है ये इस तरह से नाप लो। ये देखो इसकी ना 7.5 इंच आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू में भी इसका जो आर्म होल है, बाजू की जो चौड़ाई है वो हम 7.5 ही रखेंगे। इस प्रकार से इसको सेट कर लो पहले और इसके 4 तय कर लेंगे। ये देखो मैंने इसकी 4 तय कर ली है बाजू की। करने के बाद सबसे पहले इसको, ये देखो इसको हम सीधा करेंगे, एक लाइन लगाओ। उसके बाद इसका मोड़ने का हिस्सा रखेंगे, ये हमने इसका मोड़ने का रख लिया। अब हमारे आर्म होल की जो चौड़ाई थी वो 7.5 इंच थी और मेरी स्लीव की जो लंबाई है वो 5 इंच है। तो मैं यहाँ पर जो है 5.5 इंच लूंगी क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की सिलाई में जाएगा और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7.5 इंच ही रखनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी जब आप सिलाई करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल सही, ना छोटी रहेगी ना बड़ी। इसके बाद हम 3 इंच नीचे तक, यहाँ से देखो ये 3 इंच लेंगे, ये 3 इंच। तो ये भी एक लाइन लगा लो। यहाँ से हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे बाजू की। अब यहाँ पर भी फिटिंग का जो है हम 7.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो मार्जिन के लिए। ये हमारा सिलाई का निशान है। हमारी मोरी है 13 इंच, तो ये 13 इंच का 1/2 लेंगे, 6.5 इंच। ये देखो 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे, ये इस तरह से और ये इस तरह से मिला देंगे और इसको कटिंग करते वक्त इस तरह से। अब क्या करना है, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच के करीब, 2.5 जो भी आप, ये इसके बाद जो है आप इसको इस तरीके से मिलाएं, यानि कि इसको सीधा मिलाएं। और सीधा कहाँ तक मिलाना है, इस निशान तक। इस निशान तक मिलाने के बाद जो है इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा 1/2 इंच तो इसी लाइन पे चलाना और फिर जो है धीरे धीरे ऐसे इसी में मिला देंगे गोलाई करते हुए ऐसे, ये देखो। और फ्रंट की जो गोलाई है वो भी इसी लाइन पे ऐसे चलते हुए, ये देखो ध्यान से ऐसे चलते हुए जो है हम इसको इस प्रकार इसी लाइन में मिला देंगे। ये देखिए, ये एक पत्ती जैसी शेप आएगी, ये देखिए, ये आपके बाजू की शेप है। और अब जो है ये जो मैंने जो चौड़ाई ली है इसको हम चेस्ट का 5 भी रख सकते हैं, तब भी ये ठीक आएगा। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि आर्म होल की कटिंग को तिरछा करके नापो और ये चौड़ाई आप ले लीजिए। अब इसको देखिए, सबसे पहले मुझे ये हिस्सा काटना है बाहर वाला जो मेरा पिछली साइड में आएगा, बैक है ये। इस प्रकार से काटते हुए इसको ऐसे काट, ऐसे काटने के बाद इसको अलग निकाल देंगे, ये जो एक्स्ट्रा है। ऐसे करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आप इसको मोड़ लो, ऐसे मोड़ लो जो हमारा अंदर जाने वाला कपड़ा है मोड़ने वाला, और इसको रख करके फिर आप ये कटिंग करो। ये देखिए इस प्रकार से कटिंग हो जाएगी। यहां पर एक कट लगा दीजिए और एक कट जो है आप यहाँ पर लगाइए, यहाँ आपकी सिलाई आएगी,
ये आपकी सिलाई आएगी। अब इसको खोल लो। खोलने के बाद ये देखिए इस कटे इसको, अब ये हमारा फ्रंट हिस्सा, और ये ध्यान रखो कि ऐसे ही होना चाहिए, दोनों बाजू ऐसे ऊपर नीचे होनी चाहिए, तब आप इसकी कटिंग करेंगे। और इस प्रकार से ये आपकी फ्रंट की शेप आ जाएगी। और इसको जो है यहाँ पर, अब ये देखिए इसका फ्रंट का हिस्से की पहचान करने के लिए यहाँ पर जो है आप एक कट लगा दीजिए। ये जो है फ्रंट का हिस्सा है और ये बैक का हिस्सा है, और इसमें उल्टा सीधा का भी निशान लगा लें, क्योंकि ये मेरा प्लेन कपड़ा है तो कहीं एक ही हाथ दोनों जो है एक ही साइड ना मोड़ दो तो बाजू जो है वो गलत हो जाएगी, इसलिए उल्टे और सीधे का निशान ज़रूर लगा लें। और अब ये देखिए आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कट गई है।